वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक हम बड़ी सारी लेसन्स के थ्रू काफी सीख चुके हैं अबाउट गूगल एड्स। सो इस लेसन के अंदर मैं एक आपको दोबारा से सबका एक ओवरव्यू टाइप देना चाहता था, एक समरी टाइप देना चाहता था जो भी आपने अभी तक सीखा है। ठीक है, तो अभी तक आपने गूगल एड्स के अंदर सीखा है सर्च एड्स, आपने सीखा है डिस्प्ले एड्स और आपने सीखा है यूट्यूब एड्स। ठीक है, ये तीन चीजें अभी तक आपने सीखी हैं। अब सर्च एड्स, जैसे आपने देखा था कि सर्च एड्स के अंदर यूजर कोई कीवर्ड होता है जो कि वो सर्च करता है, और जैसे वो कीवर्ड सर्च करता है उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, है ना। तो अगर आपको सर्च एड बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, देन एक अलग ही पेज बना लेता हूं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं सर्च एड्स की। तो सर्च एड्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है कीवर्ड रिसर्च, देन जो दूसरा काम आपको करना पड़ता है वो आपको करना पड़ता है कि आपको चाहिए एक लैंडिंग पेज जहां पे आप ट्रैफिक भेज सको और आप लोगों का क्या डिटेल्स ले सको, है ना। डिटेल्स कैप्चर करने के लिए भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास कोई टूल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्टिव कैंपेन वगैरह। और देन हमने देखा था कि सर्च एड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। हमारे पास थे ब्रॉड मैच, हमारे पास था ब्रॉड मैच मॉडिफायर, देन वी हैड एग्जैक्ट मैच, देन वी हैड फ्रेज मैच, है ना। ये सारे कीवर्ड्स टाइप थे जो कि हम यूज कर सकते थे। एंड देन हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड्स भी थे, वो कीवर्ड जिस पे हम अपनी एड नहीं दिखाना चाहते तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, है ना, ताकि आप अपनी एड्स को रिफाइन कर सको, राइट। देन सर्च एड्स में थे आपके पास एक्सटेंशंस, एड्स एक्सटेंशंस, जैसे कि लिंक एक्सटेंशन था आपके पास, कॉल एक्सटेंशन था, मैसेज एक्सटेंशन था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस थे जिससे आप अपनी एड की जो रियल एस्टेट है, जो एड की साइज है वो इंक्रीज कर सकते हो, राइट। देन आपके पास लैंग्वेज टारगेटिंग थी, आपके पास लोकेशन टारगेटिंग थी, देन हमने की अपने यूआरएल टैगिंग वगैरह भी हमने देखा था। तो ये सारी चीजें थी सर्च एड्स के अंदर जो कि आप कर सकते हो। दूसरी चीज हमने जो देखी, हमने जो सीखी वो थी डिस्प्ले एड्स, राइट। तो डिस्प्ले एड्स क्या थे, तो डिस्प्ले एड्स थे जो भी बैनर्स वगैरह आपको दूसरे के वेबसाइट्स पर नजर आते हैं वो हमारे थे डिस्प्ले एड्स के पार्ट। देन डिस्प्ले एड्स में हमने अगेन बड़ी सारी चीजें देखी, जो डिस्प्ले एड्स में टारगेटिंग ऑप्शंस थे हमने वो देखे, है ना। तो डिस्प्ले एड्स में आपके पास एक तो नॉर्मल डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन था, ठीक है, देन आपके पास ऑडियंसेस का ऑप्शन था, ठीक है, देन आपके पास कीवर्ड थे, आपके पास टॉपिक थे और आपके पास प्लेसमेंट थे। ठीक है, कीवर्ड थे, टॉपिक थे और देन वी हैड प्लेसमेंट। इसके अलावा हम कस्टम सर्च भी बना सकते थे, कस्टम सर्च ऑडियंस, हम कस्टम एफिनिटी भी बना सकते थे, राइट। तो ये सारी ऑडियंसेस हम डिस्प्ले एड्स में बना सकते थे और हम इन्हें डिस्प्ले एड्स दिखा सकते थे बड़े आसान तरीके से। अगेन हमने बात की थी कि डिस्प्ले एड्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं रीमार्केटिंग के लिए, है ना। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस है जो कि ऑलरेडी आपका पेज विजिट कर चुकी है, अगर आपको उन्हें रीमार्केट करना है, उनको दोबारा एड दिखानी है, तो उसके लिए आपके डिस्प्ले एड्स काफी इफेक्टिव होते हैं। बाकी केसेस में डिस्प्ले एड्स जो हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें देखी थी डिस्प्ले एड्स के अंदर। अगेन डिस्प्ले एड्स में भी वही सारी सेम चीजें थी कि आप लोगों को एड दिखा सकते हो, आप टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो, आप लोकेशन सेट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन थे, आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें थी डिस्प्ले एड्स के अंदर। देन आफ्टर डिस्प्ले एड्स हमने सीखा था यूट्यूब एड्स, ठीक है। डिस्प्ले एड्स के बाद हमारे थे यूट्यूब एड्स,
यूट्यूब एड्स में अगेन हमने बड़ी सारी ऑडियंसेस देखी जो कि हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की. अगेन वो मेजर वही थी जो डिस्प्ले एड्स की थी. देन अलग अलग टाइप की एड्स थी हमारे पास इन स्ट्रीम एड्स थी, हमारे पास नॉन स्किपेबल एड्स थी, ठीक है. देन हमारे पास डिस्कवरी एड थी, वीडियो डिस्कवरी एड, राइट. तो ये आपके पास आउटस्ट्रीम ऐड थी, राइट. तो ये अलग अलग टाइप की यूट्यूब पे एड्स थी जो कि आपने बनाना सीखी यूट्यूब के अंदर, और आपने देखा कि कैसे इजीली आप ये सारी यूट्यूब एड्स अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो. देन यूट्यूब एड्स के अलावा आपने अभी तक सीखा है टैगिंग के बारे में, कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को टैग कर सकते हैं ताकि हम रीमार्केटिंग ऐड वगैरह रन कर सकें. टैगिंग में अगेन आपने दो तरीके सीखे टैगिंग के, एक तरीका था आपका थ्रू गूगल एडवर्ड्स और एक तरीका था आपका थ्रू गूगल एनालिटिक्स, ठीक है. ये तो दो सिंपल तरीके थे, एक था थ्रू गूगल एडवर्ड्स और एक था थ्रू गूगल एनालिटिक्स. गूगल एडवर्ड्स अगर आप करोगे तो गूगल एडवर्ड्स का आपको कोड उठाना था और आपको सीधे जाके अपनी वेबसाइट पे डालना था, और अगर आप गूगल एनालिटिक्स का करोगे तो आपको गूगल एनालिटिक्स का कोड अपनी वेबसाइट पे लाना था, और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप जो ऑडियंस है उसको आप अपने गूगल एड्स के अंदर आप वहां पे ला सकते थे, है ना. तो बड़ा सिंपल प्रोसेस था जिसके थ्रू आपने टैगिंग सीखा. तो ये अभी तक था जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है. अब कल के लेसन में मैं क्या करूंगा, कल के लेसन में मैं एक वेबसाइट के ऊपर फ्रेश एकदम जीरो से आपको सारी टैगिंग दोबारा करके दिखा दूंगा, क्योंकि टैगिंग बड़ी जरूरी चीज है. तो हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जो टैगिंग होती है वो, और जो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू टैगिंग होती है वो, हम ये दोनों चीजें अगेन एकदम स्क्रैच से करके देख लेंगे, ताकि अगर आपको कोई डाउट है अभी तक टैगिंग में तो वो डाउट भी दूर हो जाए, ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. कल का लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप बड़े ध्यान से उसको देख रहे हैं. थैंक यू सो मच.